हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीखो एवरीडे। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट्सएप में जो चैट की पीछे वाली जगह पे अपनी फ़ोटो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, जिसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए स्टेप वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले अपना व्हाट्सअप खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने अपना व्हाट्सअप खोल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सअप खोलने के बाद आप देखें कि आपको किसी का भी व्हाट्सअप आपको ओपन करना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो देखेंगे दोस्तों आपके मेरे चैट के पीछे वाली जगह ये थोड़ी क्रीम कलर की है या हल्की ग्रीन है। दोस्तों तो इसको चेंज कैसे करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कोने पे आप देखेंगे कि तीन बिंदियाँ बनी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ मेनू खुल जाएंगे, जैसे कि व्यू कॉन्टेक्ट्स, मीडिया, सर्च, म्यूट नोटिफिकेशन, वॉल पेपर और मोर। तो दोस्तों आप यहाँ पर आपको वॉल पेपर पर क्लिक करना है। तो चलिए वॉल पेपर पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पाँच ऑप्शंस खुल गए हैं, जैसे कि गैलरी, सॉलिड कलर, वॉलपेपर, लाइब्रेरी, डिफ़ॉल्ट और नो वॉलपेपर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप गैलरी में जाएंगे तो गैलरी में आपकी जो भी फोटो होंगी दोस्तों वो शो करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये नीचे सॉलिड कलर पर क्लिक करते हैं, और सॉलिड कलर पर दोस्तों आप यहाँ पर ये व्हाट्सएप के अंदर ही जो कलर है वो कि कलर आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये बैगनी कलर का मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कैंसिल और सिलेक्ट। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल पर दबाइए, और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट पर दबाइए। तो जैसे ही आप सिलेक्ट पर दबाएंगे दोस्तों मेरे चैट वाले चैट के पीछे की स्क्रीन जो बैगनी कलर की हो गई है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अब यहाँ पर अपना फ़ोटो कैसे लगाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार मैंने तीन बिंदियों पर क्लिक किया है, और दोस्तों फिर मैं वॉल पेपर पर क्लिक किया। वॉल पेपर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये गैलरी आएगी, दोस्तों उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गैलरी है, इस पर आपको क्लिक करना है, और गैलरी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर गैलरी जैसे ही ओपन होगी दोस्तों यहाँ पर आपको किसी का भी फ़ोटो लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं अपना ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोटो पर आपको दोबारा क्लिक करना है, और देख क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये मेरे पीछे ये मेरी फ़ोटो लग चुकी है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपना ये फ़ोटो लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं इसको आपको हटाना भी बता देता हूँ, ये हटाते कैसे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये फिर तीन बिंदियों पर क्लिक करना है, और तीन बिंदियों पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ वॉल पेपर पर क्लिक करना है, और वॉल पेपर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सबसे नीचे जाके नो वॉल पेपर लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अगर आपको हटाना है तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपने देखा कि व्हाट्सएप में चैट वाली जगह के पीछे कैसे अपना फ़ोटो लगाते हैं। दोस्तों इसी तरीके की मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और